री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी के समझ की सीढ़ी प्लेलिस्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे आकस्मिक अवकाश के बारे में। विभिन्न कार्यालयों और शिक्षकों की तरफ से जो है कुछ सवाल पूछे जाते हैं जो आकस्मिक अवकाश से संबंधित है, उसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न करती है, तो इसको हम लोग जो है थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि आकस्मिक अवकाश जो है एक वर्ष में अधिकतम कितने मिल सकते हैं, एक बार में अधिकतम कितने मिल सकते हैं, और यदि कोई कर्मचारी किसी जो है वर्ष के बीच में जो है कार्यभार ग्रहण करता है तो उसे शेष मंथ और दिवसों के लिए जो है कितने आकस्मिक अवकाश उसको मिल सकते हैं, तो इन सभी जो है व्यवस्थाओं को हम लोग इसमें देखने का प्रयास करेंगे। बेसिकली जो अवकाश से संबंधित जो नियम होते हैं वो सेवा संबंधी सामान्य नियमों के अंतर्गत आता है। इसके लिए जो हमारी व्यवस्था है, प्रावधान जो किए गए हैं उसके संदर्भ में वित्त पथ होता है और एक जो दूसरी व्यवस्था जो की गई है मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट आर्डर जो है किए गए हैं, यानी कि फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 2 पार्ट 2-4 के अंतर्गत जो है फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 2 और ये जो है पार्ट 2-4 के बीच में जो है सेवा संबंधी सामान्य नियमों का जो है उल्लेख किया गया है, सेवा संबंधी सामान्य नियमों का उल्लेख किया गया है, तो अवकाश से संबंधित भी व्यवस्था इसी में आनी चाहिए। लेकिन पार्ट 2-4 के अंतर्गत जहां पे सेवा संबंधी सामान्य नियम दिया गया है उसमें आकस्मिक अवकाश के बारे में जो है मूल नियम और सहायक नियम बनाए गए हैं, तो मूल नियमों में जो है इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन जो सहायक नियम है, सहायक नियम 201 के अंतर्गत इसके बारे में कहा गया है, इसके बारे में यह कहा गया है कि यह अवकाश नहीं होता है, मतलब इसको अवकाश की श्रेणी में नहीं माना जाता है, परंतु इसके बारे में एक प्रावधान जो है वो ये कहा गया है कि आकस्मिक अवकाश जो है सभी परियोजनों के लिए जो है ड्यूटी पर अवकाश माना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि इस दौरान यदि कोई सीए लेता है, आकस्मिक अवकाश लेता है, तो उस दौरान भी वो ड्यूटी पर ही माना जाता है, इसीलिए यदि कोई भी व्यक्ति सीएल पर जाता है तो उसके वेतन में कटौती इत्यादि नहीं की जाती है और उसे ड्यूटी पर जो है माना जाता है। इसको सैंक्शन करने वाले के लिए जो है यानी कि कार्यालय अध्यक्ष के लिए भी ये व्यवस्था होती है कि वो परिस्थितियों को देखते हुए जो है इस प्रकार के सीएल को स्वीकृत करेंगे यदि इनके पास इस तरीके से अप्लीकेशन आते हैं, क्योंकि यदि उस व्यक्ति के द्वारा जो भी कार्य देखे जा रहे हैं अगर उससे संबंधित कोई आवश्यकता पड़ती है तो उस व्यक्ति के द्वारा या ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे वह कार्य जो है किसी भी दशा में प्रभावित ना होने पाए। तो सीएल के संदर्भ में जो है ये व्यवस्था एफएसबी के बारे में जो है ये कहा गया, एफएसबी के संदर्भ में इतनी ही है कि वो वॉल्यूम 2 के अंतर्गत जो है पार्ट 2-4 में जो है मूल नियम में कुछ नहीं कहा गया, बल्कि सहायक नियम 201 के अंतर्गत केवल इतनी ही व्यवस्था की गई है कि उसको अवकाश जो है नहीं माना जाता है और सभी प्रयोजनों के लिए, सभी कार्यों के लिए वो ड्यूटी पर माना जाते हुए जो है वो छुट्टी पर रहेगा। और दूसरा जो प्रावधान है कि मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट आर्डर के अंतर्गत जो है तो उसके अध्याय 142 के जो है प्रस्तर यानी कि पैरा जो है 1082 और 1083 भी जो है इसके बारे में जो है बताते हैं। 1082 के अंतर्गत ये जो व्यवस्था की गई है कि एक कैलेंडर वर्ष में सामान्यतया एक कर्मचारी को 14 जो है सीएल दिया जाएगा। अब इससे ये बात स्पष्ट होगी क्योंकि अलग अलग कार्यालयों में इसके लिए कहीं कोई जुलाई से लेकर के जून तक, कहीं पे जो है अप्रैल से लेकर के मार्च तक, या इस तरीके से अलग अलग जो है कहीं जनवरी से लेकर के जून तक के बारे में जो बात करते हैं, तो इस तरीके से एक रूपता नहीं पाई जाती है और पर्याप्त इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो कैलेंडर ईयर की बात एकदम स्पष्ट कह दिया गया है इसमें, तो आपको कैलेंडर ईयर के साथ ही चलना है, इसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं है और ये व्यवस्था जो है आपके मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट आर्डर के अंतर्गत जो है अध्याय 142 के पैरा यानी कि प्रस्तर जो है 1082 में स्पष्ट रूप से ये चीज लिखा हुआ है। तो ये जो है 14 होता है, सामान्यतया जो है
अगर कोई भी कर्मचारी जो है बीच में कार्यभार ग्रहण करता है, जैसे बीच में अगर कोई व्यक्ति जो है कार्यभार ग्रहण करता है तो वहां भी कंफ्यूजन होता है, तो वहां पे मंथ को देखा जाता है, वहां पे मंथ के अनुसार उसको देखा जाएगा। अब जैसे 14 दिया गया है तो अगर हम इसको आधा करते हैं तो 7 हो जाता है, यानी कि 6 महीने के लिए जो है 6 मंथ में जो है वो 7 यूज करेगा। लेकिन अगर वो इस तरीके से जो है ज्वाइन करता है कि जो है मान लेते हैं कि 8 महीने और 10 दिन, 8 महीने 10 दिन उसका जो है उस कैलेंडर ईयर में बचता है, तो यहां पर जो है इस तरीके से इसको देख लिया जाएगा कि जैसे 7 दिन तो 6 महीने के लिए हो ही गया, अब उसके पास बच रहे हैं 2 मंथ और 10 दिन, तो ये 10 दिन पर विचार नहीं किया जाएगा, 2 मंथ को लिया जाएगा। अब चूंकि 2 मंथ है तो इसमें कोई भी पूर्ण दिवस नहीं आएगा, और सामान्यतः अगर इसको 12 और 14 के बीच में अनुपात देखा जाए तो एक दिन के लिए 1.16 बन रहा है। इसको हम जो है 2 महीने हैं तो 2 महीने से जो इसको जब गुणा किया जाएगा 2 से, तो 2.32 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसको 7 दिन यहां से जो मिल जाता है और प्लस 2.32 यहां से मिल जा रहा है। तो अब चूंकि ये पॉइंट में है तो इसको हम पूर्णांक में बदल लेंगे, क्योंकि यहां पर कर्मचारी के लिए जो है सुविधा को ध्यान में रखा गया है, तो ये जो है 3 हो जाएगा, अर्थात 3 ये प्लस जो है 7, अब वो जो है उसका 10 जो है सीएल वहां पे बन जाता है। तो 2 चीजें हैं, पॉइंट जो है उसको पूर्ण कर लिया जाएगा बढ़ा करके, लेकिन जो दिवस है उसको विचार उस पर जो है नहीं किया जाएगा, यानी कि पूर्ण महीने लिए जाएंगे, और इसी तरीके से जो सीएल में पॉइंट में भी आएंगे उसको पूर्णांक बना दिया जाएगा, यानी कि एक जगह दिन अगर जब विचार किया जाएगा तो ये उसका नुकसान होगा, परंतु जब हम पॉइंट में जो सीएल आएगा उसको हम पूर्णांक में बदल लेंगे तो 10 जो है सीएल उसका यहाँ पे बन जाएगा। तो इसी तरीके से कैलकुलेशन अगर बीच में कोई जो है कर्मचारी आता है तो उसके लिए जो इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी। और 1083 के अंतर 1083 में जो है ये व्यवस्था की गई है कि यदि कोई भी व्यक्ति सीएल यानी कि आकस्मिक अवकाश लेता है तो यदि मुख्यालय उसका वही जनपद है और उसी में रहना है तो कोई बात नहीं, परंतु यदि उसको कहीं ऐसे जगह पे जाना है या ऐसे जगह पे विजिट करना है जो कि उस मुख्यालय से बाहर आता है, तो ऐसी स्थिति में उसे मुख्यालय बाहर जाने की अनुमति भी लेनी होगी, जो कि 1083 के अंतर्गत इस तरीके की व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर के ये सब व्यवस्थाएं हैं, प्रावधान है, इस पर बहुत जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के ये चीजें इंपॉर्टेंट जो है कि वो कितने ले सकता है, बीच में वो आता है तो किस तरीके से ले सकता है। और इसके बारे में ये भी कहा गया है कि कोई सीएल ले रहा है तो उसके बीच में यदि कोई अकारी दिवस होता है यानी कि नॉन वर्किंग डेज आता है या कोई अवकाश आता है, रविवार आता है, तो उसे जोड़ा नहीं जाता है, ये भी व्यवस्था कही गई है। ये भी व्यवस्था जो है 1082 के अंतर्गत जो इस तरीके की जो है सुविधा कर्मचारियों को दिया गया है। तो मुझे लगता है कि इसी तरीके के कन्फ्यूजन जो है पैदा होते हैं सीएल के संदर्भ में, तो ये कुल मिलाकर के कुछ बेसिक जो है प्रावधान है कि सीएल कहाँ से कहाँ तक के लिए जो चलता है, क्योंकि इस पे पर्याप्त कन्फ्यूजन जो कर्मचारी और विभिन्न कार्यालयों में देखा जाता है। तो यह एक व्यवहारिक जो है कार्य है, और इसके बारे में जो है लोगों को एक सामान्य नियम के बारे में जानकारी के साथ एक सामान्य एकरूपता विभिन्न कार्यालयों में अपनानी चाहिए। तो ये रही कुछ आकस्मिक अवकाश के बारे में जानकारी, पुनः अगले लेक्चर में जो हम लोग किसी अन्य टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।